नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेडिकल जानकारी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफ़ी ज़्यादा जाने माने प्रोडक्ट मामा अर्थ के ओनियन हेयर ऑयल के बारे में और ओनियन शैम्पू के बारे में, जो काफ़ी ज़्यादा आजकल मार्केट में चल रहा है या फिर ऑनलाइन साइड में जिसका बहुत ही ज़्यादा ऐड कर रहे हैं हमारे शो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर, जो काफ़ी ज़्यादा बता रहे हैं कि भैया बहुत अच्छा है, ये है, वो है। तो सच जानते हैं कि क्या है इसके अच्छे से रिजल्ट। लाइक मैंने लगभग इसको 9 से 10 मंथ तक इन दोनों प्रोडक्ट को सेम टू सेम कंटिन्यू ही यूज़ किया हुआ है, क्योंकि इनका मानना ये है कि अगर आप ऑयल शैम्पू यूज़ कर रहे हैं बराबर टाइम से तो आपके हेयर फॉल जैसे कुछ प्रॉब्लम होने खत्म हो जाती है। तो मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हैं। क्या क्या रिजल्ट मुझे इसको देखने को मिला है, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या इनका दावा सही है या गलत है, तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में कंप्लीटली आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी और को हो सकता है बेनिफिट मिला होगा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ जो मैंने 9 से 10 महीने तक इसको कंटिन्यू यूज़ करने के बाद देखने को मिला है। मामाअर्थ का सबसे पहले बात करते हैं ऑयल के बारे में। सबसे पहले आप इनकी पैकिंग देख लीजिए कि किस तरीके से इसकी पैकिंग है। ये इतना लीकेज करता है, आप देख रहे होंगे इस तरीके से है ये, इसमें अभी तक ये हेयर चिपका हुआ है, ये देखिए आप इस तरीके से है ये, तो मतलब ये इतना लीकेजिंग है। सबसे पहले तो इनकी पैकिंग वगैरह आप देख के जान सकते हैं कि पैकिंग से इनका रिजल्ट कैसे मिलेगा। और ये शैम्पू है, अभी भी इसमें कुछ थोड़ा बहुत बचा होगा, ये इस तरीके की इनकी पैकिंग आती है। इसकी एमआरपी की बात करते हैं तो शैम्पू की एमआरपी है 350 रुपये की और ऑयल की एमआरपी है 398 रुपये की, तो लगभग 600 या 700 रुपये का बैठ जाता है ये। राउंड राउंड लेके थोड़ा बहुत डिस्काउंट के साथ अगर आपको मिलता है ये ऑनलाइन साइट में, तो काफ़ी ज़्यादा इसको ब्लॉगर वगैरह या फिर हमारे जो इनको स्पॉन्सरशिप लेते हैं तो काफ़ी अच्छा बताते हैं। तो मैंने लगभग इसको यूज़ किया था 1 जनवरी से 2 जनवरी को मैंने ऑर्डर किया था शैम्पू और ऑयल को, और लगभग सितंबर 2020 तक मैं इसको कंटिन्यू ही यूज़ करता रहा हूँ दोनों ही प्रोडक्ट को। जैसे कि आप देख रहे होंगे मैंने स्क्रीनशॉट भी आपको डाला है प्रूफ के तौर पे, ताकि आप ये ना लगे कि मैं प्रोडक्ट की इंसल्ट कर रहा हूँ या फिर ज़बरदस्ती अपनी कुंदा से निकाल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। ये हो सकता है मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम हुई होगी। तो इसमें मिलता है आपको प्याज वगैरह का सेलवेट वगैरह दे रखा है, मिनरल कॉफ़ी वगैरह जो भी होता है डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं सूट्स और ऑल स्क्रीन होता है। इंग्रेडिएंट वगैरह है इसमें सनफ्लावर हो गया, जोलिव ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया, भृंगराज वगैरह एक्स्ट्रा करके काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोडक्ट डालो में भी नहीं इसी तरीके का। इसमें बोलते तो हैं दोस्तों ये 100% आयुर्वेदिक ऑर्गेनिक है, कोई आपको नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप शैम्पू में देखेंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा केमिकल्स वगैरह डाले गए हैं, ग्लूकोनेट सोडियम वगैरह मेथाइल हो, बोलते हैं कई लोग कि ये बेनिफिट ये नुकसान नहीं देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नुकसान देते हैं, केमिकल चीज़ है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान देखने को ज़रूर मिलता है। वगैरह डाला गया है प्याज का, ये बनाया गया है शैम्पू। तो ये यूज़ करने का जो तरीका उन्होंने बता रखा है कि भैया आप यूज़ करिए शैम्पू को, कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको मसाज करिए, और फिर आप अपने ऑयल को डेली या फिर 2-3 दिन छोड़ के रात को ऑयल के साथ इसको हेयर फॉल लगाइए, इस तरीके से उन्होंने बता रखा है। फीडोज इसमें कम्प्लीटली यूज़ करने का मेथड वगैरह बता रखा है। तो मेरे को दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिला है, बिल्कुल ही पैसा वेस्ट हुआ है मेरा। 9 महीने तक मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद 1% मेरे को बेनिफिट नहीं मिला है। ये आप इस पैकिंग का देख के या फिर इन पर ये हेयर चिपके हुए हैं इस तरीके से इसमें बता रखें। एक बार मैं इसको कैरी कर रहा था कहीं दूर साथ में ले जाने के लिए, तो इसमें पूरा लीकेज कर गया और ये शैम्पू तक भी गिर गया। इसकी पैकिंग क्योंकि होती है जो लॉक वगैरह ये नहीं होता है, देखो फिर से ढीला हो जाए, अगर सपोज आपका ऐसा हो गया तो ये निकलने लग जाता है पूरा, तो अच्छे से पैकिंग वगैरह भी नहीं होता, दबने से थोड़ा बहुत खुल जाता है। तो ये था कुछ इसका, ये देखिए ऐसा थोड़ा दबाने से ये खुल जाता है, कभी कभी प्रोडक्ट के साथ दबने लग जाता है। तो पूरा शैम्पू वगैरह ऑयल वगैरह पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था बैग में। तो ये पैकिंग अभी तक भी इसकी ऐसी ये वैसी है। तो काफ़ी टाइम से इसको वीडियो बनाने की सोच रहा था। मेरा मानना ये है कि आप कोई भी ये ऑर्गेनिक के नाम पे ये काफ़ी ज़्यादा कंपनियां लूट रही हैं। दोस्तों प्रॉब्लम्स क्या मिलते देखने को मिलते हैं, शैम्पू करते करते बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, मतलब हेयर फॉल तो रुकेगा बाद में, लेकिन शैम्पू करते ही इतना हेयर फॉल आ जाता है कि क्या बताएं, बहुत ज़्यादा बाल टूटने लग जाते हैं और बालों में जो है स्कैल्प में जो है डैंड्रफ करता है, सर में एक पपड़ी सी जमने लग जाती है। एक ड्राई डैंड्रफ तो अलग होता है, ये बिल्कुल स्कैल्प पे बिल्कुल पपड़ी सी जमाने शुरू कर देता है, और हेयर फॉल कंट्रोल तो बिल्कुल भी नहीं होता है, बल्कि ज़्यादा ही होना शुरू हो जाता है। कंट्रोल को तो दूर की बात है,
ये ज़्यादा ही आपके हेयर को टूटने लग जाता है। ये दोस्तों इसमें एक तो एक पैकिंग बेकार है, ऊपर से इतना प्रोडक्ट अगर आप कॉस्टली यूज़ कर रहे हैं तब भी अगर आपको बेनिफिट ना मिले तो बहुत बुरा लगता है। 9 महीने तक मैंने इसको कंटिन्यू यूज़ किया है जनवरी से। आप मेरे स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे, मैंने आपको बता रखे हैं प्रूफ के तौर पर। बेनिफिट्स इसका मुझे कुछ भी नहीं मिला है, टोटली पैसा वेस्ट हुआ है फालतू में। बल्कि मेरे हालांकि इस प्रोडक्ट को यूज़ करने से ज़्यादा ही हेयरफॉल हो रहे हैं, ना तो इससे बाल स्मूथ होते हैं, ना तो ये हेयरफॉल कंट्रोल करता है, और ऊपर से ये डैंड्रफ भी बालों में करता है, रूखी वगैरह हो जाती है बालों में, खुजली वगैरह होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है ज़्यादा से ज़्यादा। इसलिए दोस्तों जब भी मैं ये कहूँगा, अपना जो मेरा कंक्लूजन है, मैं आपको अपनी तरफ से आपको रिकमेंड ये करूँगा, आप कोई भी यूज़ करें तो घर का ही ऑयल यूज़ करें। जैसे सरसों का अगर किसी का प्योर तेल है वही यूज़ करें, वही बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और ये फालतू के प्रोडक्ट में यूज़ ना करिए, ऑर्गेनिक के नाम पर ये बहुत ज़्यादा पोपट बनाते हैं लोगों का। आजकल भी मैं देख रहा हूँ मामार्थ वगैरह का काफ़ी ज़्यादा बोलबाला चल रहा है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल पैसा वेस्ट है। आप चाहें तो फ्लिपकार्ट पे रिव्यू देख लीजिए इन चीज़ों का, हालांकि लोग कई तरह अच्छे अच्छे रिव्यू देते हैं, लेकिन आप फ्लिपकार्ट भी करता है जो अच्छे अच्छे रिव्यू होते हैं वो ऊपर डाल देता है, और जो पुराने होते हैं मतलब जो गंदे से रिव्यू डालते हैं लोग उनको हटा के या डिस्ट्रॉय कर देता है, जैसे भी करता होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था, हो सकता है आपको बेनिफिट मिला है, मुझे कोई भी इससे बेनिफिट नहीं मिला है। लगभग कोई 1% मेरे को इसके कोई भी रत्ती भर इससे आराम नहीं मिला है। ऑयल वगैरह अब भी गिर रहे हैं, तब भी गिर रहे थे, तो काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ किया हुआ है। तो बस ये था कुछ मेरा मामार्थ के साथ एक्सपीरियंस, कोई भी ऐसा बेनिफिट नहीं मिला है, 0% बेनिफिट के साथ ही इसको मैं यूज़ करे जा रहा था। ऊपर से मेरे हेयरफॉल ज़्यादा से ज़्यादा हो रहे हैं, ऊपर से अब डैंड्रफ की समस्या भी ज़्यादा हो गई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मिलता है नई वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।